उस बयान का कि ऐसे ये दोबारा ना हो, ऐसा सख्त संदेश एक तरह से उन्होंने अपने बयान में दिया है। लेकिन ये दोबारा ना हो तो बोलने वाले सारे उन्हीं की पार्टी के हैं, ऐसा तो है नहीं कांग्रेस बीएसपी सपा के लोग बोल रहे हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है। देखिए बड़ी सीधी बात है, मैं किसी की भी किसी के द्वारा हत्या करने जाने का किए जाने का समर्थन कर ही नहीं सकता, पहली बात। लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते मुझे चीजों को एक परिपेक्ष में रख के देखना होगा, और ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं देशद्रोह वाली और देशभक्त वाली एस्पेक्ट की, मेरे इस पे ऊपर कुछ सवाल हैं। और दूसरी बात, मैं उन सवालों को लाने से पहले ये कहूंगा कि प्रज्ञा और इनके बयानों को तो लिया जा रहा है और आलोचना की जा रही है, और सही आलोचना की जा रही है। मैं नेहरू तक जाने नहीं, मैं बहुत अच्छा समझता कि आप इसके अंदर कमल हासन ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो हिंदू आतंकवादी है, शुरुआत कहां से हुई, ठीक है ना, हिंदू के लिए जो कोई कुछ कह दे उसको तो बचा के बाहर निकाल दिया जाए। कमल हासन ने बाद में खुद ही कह दिया कि उन्होंने भी माफी मांगी। माफी मांगी नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ। अब मैं एक बात आपसे, उसको हिंदू आतंकवादी, अब मैं बात लाना चाहता हूँ देशद्रोही और देशभक्त की, और एक बिल्कुल न्यूट्रल इतिहासकार के नाते मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखने जा रहा हूँ। पहले विश्व युद्ध के अंदर गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की। अब सर उनकी सुनिए, नहीं देखिए गांधी का प्रसंग है, इसलिए पीछे बैठ रही है। साउथ अफ्रीका चले जाए? नहीं साउथ अफ्रीका नहीं। देखिए आप देश में देखिए, फिर आप नहीं सर, अभी आप फिर 1947 की बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो हम आप 1947 की बात क्यों कर रहे हैं? बात करें कि गांधी ने आंदोलन किया, आप 1947 की बात क्यों कर रहे हैं? फिर आई 2019 के अंदर बात ये हो गई कि नहीं, फिर मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। अगर आप अपनी मर्जी से चाहेंगे कि आप जो बोलते रहे और आप ऐतिहासिक तथ्य को सुनने को मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन तो फिर मेरा जवाब सुन लीजिए आप। पहले मुझे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था आशुतोष, मैं बीच में नहीं बोला था, तुम्हारे मेरे बीच में बंद बोलो, मेरे बीच में ना बोले, फिर नहीं, फिर मैं डिबेट, देखिए मैं एक सभ्य तरीके से डिबेट करिए, एक सभ्य तरीके से डिबेट करिए, मैं इनके किसी के बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर अगर सभ्य डिबेट होगी, आप में सुनने का मादा होगा, तो मैं डिबेट में बैठूंगा। प्रोफेसर साहब, सबसे अधिक आक्रोश, मुझे कोई अपनी राजनीति नहीं बनानी है, आप लोगों को राजनीति बनानी है, मुझे राजनीति नहीं बनानी है। लाया जाए स्टूडियो को, प्रोफेसर साहब सबसे अधिक आक्रोश में आ पा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आक्रोश की बात है, आक्रोश में ना आइए, क्योंकि आप वन साइडेड बात करेंगे और आप तथ्य सुनने को तैयार नहीं है, आप लोगों को राजनीति करनी है। फिर तो मैं गांधी की हिस्ट्री लेकर और गांधी की बायोग्राफी लेकर बात करूं तो आज शुरू करूं 2029 तक करता हूं। अजीत जी, अगर आपका एम ये है कि आप कमल हसन को उसका जो वो कहता है हिंदू आतंकी सही है, कमल आपने उसका जिक्र नहीं किया, आपने डिबेट शुरू करते हुए नहीं कहा, आपने सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर पे बात लाई, प्रज्ञा ठाकुर ने गलत कमल हासन ने जो कहा मैंने आपको कह दिया, मैं सहमत हूं, लेकिन मैं कहां से प्रोग्राम, बर्बादी के नारे लगाने वाले देशभक्त है, पत्थर फेंकने वाले देशभक्त है, टुकड़े टुकड़े गैंग देशभक्त है, क्या बात करते हैं आप लोग, बर्बादी का नारा लगा, क्या बात करते हैं आप लोग, आप गलत शब्द मेरी जुबान में मत डालिए, तीन चीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिन्होंने, एक मिनट सुन लीजिए, जिन्होंने भारत के खिलाफ नारे लगाए देशद्रोही थे, जिन्होंने कश्मीर, सुन लीजिए, जिन्होंने कांग्रेसी मानते हैं, राहुल गांधी जेएनयू में जाकर के सपोर्ट किया, अरे तो उसके लिए राहुल गांधी के घर पे जाके अनशन करिए आप, यहाँ हमारे यहाँ वो बात क्यों उठा रहे, उसके लिए आप जाइए, आप आमरण अनशन कर दीजिए राहुल गांधी के घर पे, वो आप करिए, मुझको जो करना है मैं करूंगा। फिर आप वो सवाल जो राहुल गांधी से, आपने मेरा पूरी बात सुनी नहीं और आपने बीच में शुरू कर दिया। हम बीच में नहीं शुरू कर रहे मिस्टर कपिल, मुझे एक दो सवालों का और जवाब दे दे, आपने तीन बात, एक दो छोटे सवालों का और जवाब दे दीजिए, जरूर लेंगे, लेकिन तीन बात चूंकि आपने कही है, जो कश्मीर की आजादी की बात जो नारे लगाते हैं वो देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े की बात की वो देशद्रोही है,
लेकिन उसकी आड़ में किसी आलोचना या सहमत आवाजों को देशद्रोही कहना वो भी गलत। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कब कही ये बात? तो आप ये मत कहिए, मैंने ये नहीं की। मैं कुछ आप उन सब के खिलाफ प्रदर्शन करिए। मुद्दे पर आते हैं, लेकिन हमको एक ब्रेक का वक्त है, तब तक शांत आप भी हो जाइए, पानी पीते हैं हम लोग, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आक्रोश जरूरी नहीं है, उसके बाद उसकी बात नहीं है। अजीत जी, दिक्कत ये है कि आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे मुझे गलत साबित कर, मुझे आप गलत साबित, पांच किताब में भी, अरे मुझे आप गलत साबित कर, भाई मुझे बिठाया क्यों है सर? सर लेकिन हम बात कर रहे हैं, मैं उसके आगे जो बात कहने जा रहा था कि हर चीज एक परिपेक्ष में होती है। अभी जाने दीजिए, एक मिनट, ब्रेक का वक्त है। अभी अभी सर मैं तथ्य पे बात कर रहा हूँ, मेरे तथ्य का जवाब, अरे मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ, आप ही पे आ रहा हूँ। तो सवाल यही है कि गोडसे और गांधी की अगर बात करें तो क्या गांधी देशभक्त थे या गोडसे देशभक्त थे? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल के दिनों में, बीते चार दिनों में, गोडसे को देशभक्त माना, और सवाल वहीं से है। प्रोफेसर साहब, आपके पास एक मिनट वक्त है, आपको जो कहना हो कहिए, जरा समझे आपके नजरिए। देखिए, मैं गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे, मैंने इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया। मैं एक परिपेक्ष की बात कर रहा था, जिस परिपेक्ष में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजनीतिक लोग जो हैं, बिना इतिहास के पूरे तथ्यों को देखे हुए, बिना पूरे परिपेक्ष को समझे हुए बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि 47 के अंदर बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के अंदर लाखों लोग मारे गए, ठीक है, उन लाखों लोगों का कातिल मैं किसको मानूं? 84 के अंदर दिल्ली के अंदर दंगे हुए, उन सिखों का मैं कातिल किसको मानूं? गांधी जी, सुन लीजिए मेरी बात, मैं गांधी, फिर आप गांधी पे आ रहे हैं, चलिए, मैं एक परिपेक्ष और मानसिक उसकी बात कर रहा हूं, समझे? अभी भी यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके और फिर जवाब यह दे दिया गया कि मैं तो आवेश में मानसिकता में कह गया। सिद्धू साहब हैं, एक कत्ल के मुकदमे में है कि मैंने आवेश में मर्डर कर दिया। कहीं चले जाइए और कहिए दूसरे, कहीं चले जाएगी बात नहीं है, हम गांधी और गोडसे की बात कर रहे हैं। देखिए, गांधी खाली गांधी नहीं है और गोडसे खाली गोदी नहीं है। गांधी जी की पहली राजनीतिक हत्या मैं मानता हूं तब की गई कांग्रेसियों ने, जब उन कांग्रेसियों ने जिन्होंने उनको पाला पोसा था, पार्टीशन के मुद्दे पे गांधी जी को दरकरार कर। चलिए, अब आखिरी, गांधी जी ने कहा था कि पार्टीशन मेरी डेड बॉडी पे होगा, क्यों मान गए? सुनिए, क्यों अब्दुल गफ्फार खान तक का बेवकूफ बना दिया गया? अगर पूर्वी पाकिस्तान मन सकता था, उसने कहा हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, उसको क्यों कहा तू जुन्ना की जाके मदद कर? अब जेलों में सड़ गए अब्दुल गफ्फार खान और वली खान, उस समय कह लिया ना, एक मिनट आपको वक्त दिया। तो गांधी देश के दुश्मन थे या देशभक्त थे? मैंने ये नहीं कहा देश के दुश्मन थे, मैं ये कह रहा हूं कि प्रासंगिकता में कुछ निर्णय जो उस समय लिए गए वो निर्णय देश के हित में नहीं गए। अब एक और सवाल, आखिरी 30 सेकंड जवाब, उसके बाद बाकी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा गोडसे के लिए कि देशभक्त थे, वो घृणा के लायक है, वो किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, भयंकर है और असहनीय है और 100 बार सोचना पड़ेगा और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या प्रधानमंत्री से सहमत है? मैं सहमत हूं प्रधानमंत्री से, मैंने उसको अपोज नहीं किया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कह रहा हूं कि जो कमल हसन ने कहा है हिंदू आतंकवादी, गलत कहा है, उसके ऊपर भी बात करिए, उसके लिए उसमें मैं कह रहा हूं कमल हसन क्या धरना करिए ना, वो सारे अपने आप को प्रगतिशील कहने वाले, सेकुलर कहने वाले, कहां है कमल हसन के स्टेटमेंट के ऊपर? वो 3 दिन उसपे बहुत बस हुआ, प्लीज टेलीविजन देखिए, आपकी डिश पे हुआ होगा साहब, और जगह मैं बहुत देखता हूँ, डिबेट में हिस्सा भी लेता हूँ। अब आप यहाँ तो या तो एकदम कुतर्क करके डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, तो माफ करिए, मैंने 2 मिनट वक्त दिया, दूसरे लोगों से बात करने दीजिए। आप भाषा देखिए अपनी, क्या कुतर्क का भाषा मान ही नहीं रहे प्रोफेसर साहब। मैं कर आप छोड़िए, मैं डिबेट छोड़ देता हूं आपको, आप क्यों आप कर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद अ बायस्ड एंकर। प्रोफेसर साहब, जो एंकर बायस होकर के मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए, मैंने क्या कुतर्क दिया है? आपके पास मेरे तर्क का जवाब नहीं है तो आप मुझे कुतर्क बता रहे हैं। सर, मैंने कहा, मैंने उस पर हमारे यहाँ बहस हुई, आप देख लीजिए। मैंने कहा मैंने आपका नहीं देखा, मैंने यही तो कहा कि आप क्या नहीं देखा, आप तो कुतर्क वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी भी शांत हो जाइए, बेकार आप कुतर्क वर्ड यूज कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, सर गुस्सा मत, आप बड़े हैं हम सब में, गुस्सा मत करिए सर, बार बार एंकरिंग आप कर रहे हैं। चलिए जी, बोलिए बोलिए अंजुम साहब, आप कपिल कुमार जी को बोलने दीजिए। हाँ चलिए बोलिए, कपिल अंजुम साहब बोलिए, बोलने दे रहे हैं, चलिए इन्हीं को कहते हैं बोले, चलिए नहीं नहीं पूछने की बात नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि बात इतिहास की है तो इतिहास विस्तार मानता है। आप केवल एक लाइन में जवाब चाहेंगे कि देशभक्त थे या नहीं थे, देशद्रोही थे या नहीं थे, आप बगैर पूर्व भूमिका के, बगैर भूमिका के अगर बहस करेंगे तो वो निश्चित रूप से पक्षपाती तो हो गया ना। कपिल साहब को बोलने दिया ना, बोला उन्होंने, तो क्या हम जो बाकी लोग हैं उनको शामिल नहीं करें, ये चाहते हैं आप? नहीं, आप कीजिए, लेकिन उन्हें पूरी बात भी रखने दीजिए, वास्तव में इतिहास का विषय है, इतिहास के अनेक पक्ष सामने आने चाहिए, यही चलिए ठीक है, ठीक है,
ठीक है चिंतामणि जी, आपके पास भी आते हैं एक बार जरा हम मुकेश नायक, पिछले ब्रेक में भी उनसे बात नहीं कर पाए। मुकेश नायक, आपने सुना सब चीज के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, अब आप जवाब दीजिए इसका। जी मैंने सुना, कह रहा हूं आप बड़े हैं और आपको अब मैं अब माफी हो गया, अब बात शुरू करते हैं। जी, जी, बड़े हैं, आपको अगर मेरी बात कहीं अभद्र लगी तो मैं माफी चाहूंगा, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं। संगीत रागी जी, और उसके बाद आशुतोष को भी शामिल करते हैं। संगीत रागी, सवाल ये है, हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कोई भी आदमी महामानव नहीं होता है, अवतारी नहीं होता है। गांधी ने गलतियां की होंगी और उनकी गलतियों की मिसालें इतिहास भरा पड़ा है। हमने बात यहां से शुरू की कि एक कातिल को, हम संजीदा बात चाहते हैं, एक कातिल जिसने मारा गांधी को, मारने के बाद भी कहा कि अगर गांधी को मारना अगर देशद्रोह है, यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैंने पाप किया और मैंने गांधी को मारकर कोई गुनाह नहीं किया, एक गोडसे की पंक्तियां हैं। अब सवाल उठता है, गोडसे के नाम पर मंदिर है, ग्वालियर में मंदिर है, पुणे में मंदिर है, महाराष्ट्र में मंदिर है, अलग अलग राज्यों में मंदिर है, तो एक कातिल उसका योगदान या महात्मा गांधी जो 1915 से लेकर 1947 तक उनको कत्ल करके गोडसे उससे बड़ा हो सकता है क्या? देखिए गांधी महामानव थे और उनकी तुलना गोडसे के साथ कभी नहीं की जा सकती है, यदि ऐसी होती है तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन एक और बात सोचिए कि क्या हम पूरे दे 130 बिलियन के कंट्री के दोस्त हो? वही तो महत्वपूर्ण है। देखिए मुकेश, अरे मुकेश जी जरा एक एक करके बोलने दीजिए अब। हाँ। अब इतनी बड़ी देश में यदि मान लिया जाए कि कुछ 10,000, 20,000 लोग इस प्रकार की मानसिकता से बात करें तो वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। ये तो मानिए ना कि से इस 130 करोड़ के देश में 129,99,00,000 लोग जो है वो गांधी को पूजते हैं, उनके लिए वो प्रातः स्मरणीय है। सही, दूसरी बात नहीं, इसमें सिर्फ एक और सवाल ऐड कर देता हूं, एक बार जवाब दे दीजिएगा जी। अगर वो भोपाल में चंद लोग मोहल्ले में मूर्ति बना लगाते हैं, गोडसे का पूजा करते हैं, या ग्वालियर में, तो वो मामूली लोग हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं किसी को पूजा करने वाले, लेकिन अगर वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो मामूली लोग नहीं है। एक लोकसभा क्षेत्र जो 20-25 लाख की आबादी वाला होता है और केंद्र में मंत्री है तो मामूली नहीं, दोनों को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, बीजेपी ने शायद, मैं बीजेपी के तरफ से उसके बारे में उत्तर नहीं दे सकता, वो उसका उत्तर बीजेपी के लोग ही दे सकते हैं। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, मैं इसे फिर दोहरा रहा हूं, देखिए गांधी की हत्या से पहले क्या गोडसे के पास कोई ऐसी चीजें हैं जिसे आप उसे हत्यारा कह सकें, वो उसे गलत कह सकें? उसकी एक सोच थी, देश के लिए उसकी एक दृष्टि थी, लेकिन जैसे ही वो गांधी की हत्या करता है उसका आकलन, उसका मूल्यांकन हम दूसरा करते हैं। गांधी की हत्या के पहले उस व्यक्तित्व का मूल्यांकन अलग होना चाहिए और गांधी की हत्या के बाद का मूल्यांकन जो होगा वो अलग होना चाहिए। चलिए कपिल साहब, सिर्फ इसे शामिल करूंगा, लेकिन आशुतोष आपसे पहले, उसके पहले गोडसे हिंदू राष्ट्र के नाम से अखबार निकालते थे, हिंदू महासभा से जुड़े थे, आरएसएस से जुड़े थे, हालांकि उसको लेकर मोहन मालवीय जुड़े हुए थे, सुन लीजिए, और कांग्रेस की जवाब दे दीजिएगा, और कांग्रेस के जितने रेजोल्यूशंस पास होते थे वो मदन मोहन मालवीय के हाथ से गुजरते थे। जवाब दे दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और हिंदू महासभा अधिवेशन दोपहर में हुआ करता था, मदन मोहन मालवीय का कंट्रीब्यूशन और गोडसे के कंट्रीब्यूशन को बराबर कर रहे हैं तो फिर आप गलती। मैं गोडसे पे बात कर रहा हूं और उसके बाद गोडसे ने जिस ढंग से हत्या की, हत्या के बाद गोपाल गोडसे ने किताब लिखी, जेल में रहे, उसके बाद गोडसे को हम कैसे एनालाइज करें? उसके 15 साल के बारे में मैंने पढ़ा है, गोडसे के बारे में क्या, देश निर्माण में गोडसे ने इतना बड़ा योगदान किया, हिंदू राष्ट्र अखबार निकालना, या गांधी अनशन पर थे, पाकिस्तान को 55 करोड़ दिया जाना था, उससे नाराजगी, और उसके बाद इस हद तक कि गांधी को मारे बिना कुछ नहीं हो सकता, किताबों में इतिहास में दर्ज है। अजीत जी, क्या अमेरिका के अंदर कैनेडी के हत्यारे के बारे में चर्चा होती है क्या? कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा आपने। देखिए, ये जो गोडसे के बारे में बार बार जो महिमा मंडन करने की कोशिश की जाती है और गांधी की हत्या को जायज़ ठहराने की कोशिश की जाती है, उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। और मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है प्रोफेसर साहब को भी बुरी लगे और हो सकता है संगीत जी को भी बुरी लगे, क्या ये तथ्य नहीं है कि 11 सितंबर 1948 को जो सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी थी गोलवलकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप लोग जहर बुझे हुए भाषण देते हैं उससे जो माहौल बनता है, उस माहौल ने गांधी जी की हत्या की।
क्या उन्होंने चिट्ठी में यह नहीं लिखा था कि आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी थी और खुशियां मनाई थी? ये सरदार पटेल की चिट्ठी 11 सितंबर 1948 गोलवलकर को। दूसरी बात, क्या ये सच्चाई नहीं कि सरदार पटेल जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, और उनके रहते गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया था, 6 महीने जेल में थे वो, छूटते उसके बाद फिर वो जेल के अंदर जाते। क्या ये सच्चाई नहीं है कि सावरकर को टेक्निकल ग्राउंड पे छूटे थे? क्या सच्चाई नहीं? और जीवन लाल कपूर जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने ये माना था कि आरएसएस का इस हत्या में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, तब तक सावरकर की डेथ हो चुकी थी, कि सावरकर का हाथ था उनकी हत्या में। हाँ चलिए, सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज भी सावरकर को आराध्य पुरुष मानती है, जिसको टेक्निकल ग्राउंड पर सिर्फ छूटे थे पहली बार, और जीवनलाल कपूर ने, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि इनका हत्या में हाथ था। सवाल इस बात का है, ये वो सोच है जो बार बार निकलती है, क्या ये सच्चाई नहीं? मैं संगीत से पूछना चाहता हूं कि आरएसएस की गांधी वध कहा जाता है उनकी हत्या को, और ये बात सच है कि 1962 के बाद से गांधी को प्रातः स्मरणी का, तो गांधी वध क्यों कहा जाता है भाई? चलिए जवाब लेते हैं, आशुतोष जवाब लेते हैं। मैं दो चीज, मैं आशुतोष का उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात तो संघ ने कभी भी गांधी जी की हत्या को जस्टिफाई नहीं किया है। दूसरी बात, संघ को गांधी की हत्या से में कहीं भी नहीं जोड़ा गया है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप बार बार ये जो कहा जाता है कि पटेल के पत्र को उद्धृत करके ये कहा जाता है, उसी पटेल ने कहा कि आरएसएस के जो हैं वो मिसगाइडेड देशभक्त हैं, यह भी पटेल की ही पत्र का हिस्सा है, यह भी आप बताइए देश को। और अंतिम बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ, यदि उस सोच ने गांधी की हत्या की, तो जिस सोच ने भारत को विभाजन किया, मां भारती को खंडित किया, उसके लिए आप किसे उत्तरदायी समझते हैं? माउंटबेटन प्लान में एक साल बाद होने वाला था, 6 महीना पहले घटित होता है, किस व्यक्ति ने किस कामना से उसको एक्सेप्ट किया, जिसके कारण 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख में से 7 लाख विधवाएं हुई और 15 लाख जो है वो अपने घर परिवार से निर्वासित होकर के गए। उस हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था, इसका कोई इतिहास मूल्यांकन करने के लिए तैयार है? प्रोफेसर कपिल कुमार को शामिल करेंगे। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, गांधी गोलवलकर की मीटिंग होती है, गोलवलकर से वो चाहते हैं एश्योरेंस, मुझे लगता है हम थोड़ा सा वो एश्योरेंस चाहते हैं, और वो कहते हैं कि आप एक चिट्ठी लिख दीजिएगा ताकि इस तरीके का दंगे वाली बात ना हो। वो वहां से जाते हैं, चिट्ठी कभी नहीं आती है। गांधी जी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, बोला नहीं, मुझे इनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये गांधी जी का असेसमेंट, और फिर गांधी ये बार बार कहते हैं, गांधी मानते थे कि आरएसएस बड़ी अनुशासित संगठन है। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन तो हिटलर के नाजिज्म में भी था, और अनुशासन आरएसएस पर विमर्श कर नहीं रहे थे। आशुतोष, गांधी जी ने एक शब्द भी आरएसएस के खिलाफ नहीं कहा है, एक पंक्ति भी गांधी जी ने आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला है। ये मैं आपको दावे नेशनल चैनल पर कर रहा हूं। क्या आप ये मानते हैं कि गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि जब उनसे आरएसएस के अनुशासन की बात की गई, अनुशासन तो हिटलर के नाजिज्म में भी था और मुसोलिनी के फासिज्म में भी था? क्या कहा गया है, नहीं कहा गया? इतिहास का आप कपिल साहब बैठे, मुझे कॉन्ट्राडिक्ट। चलिए मैं जरा वापस कपिल साहब के पास ही आता हूँ। कपिल साहब, आप सवाल ये है, ठीक है ऐतिहासिक संदर्भ आप हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, आप हिस्टोरियन हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस सोच की बात सर कर रहा था कि अगर गांधी ने गलतियां की, मान लिया कि गांधी ने बहुत गुनाह किया, मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ जो सोच कत्ल करती है, जो सोच शंभू रैगर नाम के आदमी का राजस्थान में होता है। आप बिल्कुल सही सवाल उठाते हैं, और इसी सवाल को लेकर के चिंतामणि जी, चाहे वो सोच दिल्ली में सिखों की हत्या हुई वो भी वो सोच है, चाहे वो कहीं भी दंगाई मानसिकता की सोच, हर सोच की बात करता हूं जिस सोच का अंजाम कत्ल होता है, बेगुनाह की हत्या होती है। भी बात करिए, आपके पास आऊंगा सर, जरा मलयाना की भी बात करिए और भिंडी की भी बात करिए, भागलपुर की बात करिए, मलयाना की बात करिए, भिवंडी की बात करिए, अहमदाबाद की 1990 की बात कीजिए, 2002 दंगे की बात क्यों नहीं करिए? आप 19 मलयाना की बात क्यों नहीं करते? भागलपुर की बात क्यों नहीं करते? आप 2002 के दंगों की बात, यही आपकी राजनीति आ जाती है। चलिए मलयाना की राजनीति आ जाती है आपकी, यही आपकी राजनीति आ जाती है। मलयाना भूल जाएंगे आप, भागलपुर भूल जाएंगे आप? नहीं भूलूंगा। अरे छोड़िए, 2002 की बात करिए ना, क्या हुआ इससे, क्या हुआ फिर विषय से भटक रहे। एक मिनट आशुतोष, तरीका है विषय से भटकने का।
मिनट, जब आप पे जवाब लाइए तो विषय से मत खाओ। आपने मुझसे सवाल पूछा है, आपको जवाब देना। गुजरात दंगों की भी बात आशुतोष, लेकिन इनसे जवाब तो लेंगे ना, इनसे सवाल पूछा, एक सेकंड, इनसे जवाब तो लेंगे। संधू रेलर आपको ध्यान में आता है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सोच की, जिस सोच में कोई भी आदमी कातिल होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई किसी भी पार्टी का सोच है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखते हैं 1942 के अंदर, ये जो खुद इंडिया मूवमेंट है, जवाब लेने देंगे, इंडिया मूवमेंट को क्रश किया जाए, ये सोच थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक बात में जनसंख्या, जवाब लेने दीजिए आशुतोष जी, आप अनुशासन तोड़ रहे, बोलने नहीं दे रहे। नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसा होगा तो फिर डिबेट भटक जाएगा। अरे आशुतोष जी, इनको ये बता दीजिए, मैं काउंटर कर दूंगा, इनको ये बता दीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज का बंगाल नहीं होता। बंगाल नहीं होता, आसाम का बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिस देश का हिस्सा नहीं होता तो बंगाल को कैसे बचाया? अरे पूरा इतिहास देश क्या आया करें, फिर बहस किया करेंगे। चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? अरे आप फिट इंडिया मूवमेंट तो बहुत हो गए, फिट इंडिया मूवमेंट क्या गांधी ने सपोर्ट किया था? गूगल का इतिहास मत पढ़ाया करो आप हमें, आपको मालूम है कि फिट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी पहले तैयार नहीं थे? आपको मालूम है आशुतोष की फिट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी पहले तैयार नहीं थे? देखिए मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आप ऐतिहासिक तथ्यों पर डिस्कशन कर लीजिए, चिट्ठी लिखी नहीं, आप ऐतिहासिक तथ्यों पर डिस्कशन कर रहे थे पहले। प्लीज, अब वक्त कम है, 5 मिनट, एक सवाल मैंने पूछा था, इनसे जवाब लेते हैं, छोटा सा जवाब प्रोफेसर साहब। मैं सिर्फ उस सोच की बात कर रहा हूं, मैं सोच की बात कर रहा हूं, सोच जो है परिस्थितियों से बनती है। उस परिस्थिति के अंदर कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, कोई मानसिक संतुलन से बात करता है। दो चीजों पर मैं इसका आपका ध्यान दिलाऊंगा। आर के करंजिया ने 60 के दशक के अंदर एक पूरी सीरीज ब्लिट्स के अंदर निकाली थी गांधी मर्डर को लेकर के और गोडसे को लेकर के, और गोडसे को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स सामने रखे थे कि कांग्रेस के कई लीडर्स को ही पता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि गांधी की हत्या होने वाली है, गांधी पे पहले अटेम्प्ट हो चुका था, 10 दिन पहले ही हो चुका था, नहीं उससे पहले भी क्या किया। और मैं आपको इसका एक बहुत दो उदाहरण वर्तमान के देकर के इस बात को खत्म करना चाहूंगा। राजीव गांधी जी की निशंस हत्या हुई, उसके बाद में आपको याद होगा कि एक वन आइट जैक था श्रीनिवासन, जो 8 साथियों के साथ जिसने साइनाइड खा करके और आत्महत्या कर ली, क्यों उसको पकड़ नहीं पाए, असली कॉन्स्पिरेसी दबा दी गई। दूसरा सवाल उठा रहा हूं, किसी भी प्रजातंत्र के अंदर मुकदमे के अंदर जिसके सामने कत्ल होता है उसे गवाह के तौर पे पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी जी के कत्ल के अंदर धवन उनके 6 फीट पीछे चल रहे थे और वो फिल्म प्रोड्यूसर जो है उनकी पूरी फिल्म बना रहा था, जहां से वो निकल के चली थी, उनको पेश नहीं किया गया। तो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ रहती है इतिहास के अंदर, और इतिहास एक दिन बोलेगा गलत बात, आप मेरी बात को गलत साबित कर दीजिए, दोनों बातें गलत मौका देंगे बोलने के। विषय विषय नहीं, अब विषय से भटक के, विषय से नहीं भटकाओ, राजीव गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार चले जाए तो फिर कहां चले जाए? मान जी, ये भी एक मानसिकता थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, गलत थी, लाखों मारे जाते हैं, 4 दिन तक हमने बहस किया उस पर, गलत है, चर्चा नहीं करेंगे गुजरात दंगों के बारे में। अरे आप मलयालम की बात करो ना, क्या होती है ये नहीं कहेंगे, बात करो ना, ये जो साक्षी अप्रोच है, याद है गोधरा, याद नहीं है आपको, मलयाना याद नहीं है कपिल साहब, मैं आपको भागलपुर याद नहीं है, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, माफ करिए, आप मुझसे ज्यादा तेज बोल ही रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा तेज बोल ही रहे हैं, क्योंकि आप पे जवाब सेलेक्टिव हो जाएंगे, आप मोदी जी के उस वक्तव्य की बात नहीं करेंगे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है बराबर होती है, क्यों नहीं करेंगे बात उसकी, सेलेक्टिव करेंगे, सेलेक्टिव काम चलेगा। अगर 2001 संगीत जी, आशुतोष संगीत जी, एक मिनट, मैं कहता हूं कि आइए भागलपुर की चर्चा करते हैं, अलीगढ़ चर्चा करते हैं, मलयाना करते हैं, 2002 दंगों की चर्चा करते हैं, 84 की भी बात करते हैं, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप कोधरा में मारे गए कार सेवकों के डिफेंस में खड़े होते हैं, दुर्भाग्य है कि कोधरा में मारे गए कार सेवकों के लिए आशुतोष आप खड़े होते हैं, चर्चा करते हैं। यदि 59 कार सेवकों की हत्या होती, आपको नहीं मालूम है कि 240 हिंदू भी पुलिस की गोलियों से मारे गए थे, इसके बावजूद भी आप नरेंद्र मोदी को अपराधी और बटगरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं, आप मूल्यांकन उसका नहीं करते हैं। अदालत में मुकदमा चला, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो अदालत में मुकदमा चला, अदालत में मुकदमा चल रहा और बात है, लेकिन आप कटघरे में जिसके खिलाफ एक FIR नहीं हो, उसके खिलाफ आपने इतना ज्यादा आपने अभियान चलाया, गोडसे की जो अदालत में मुकदमा चला, आज भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए UN में 10 साल लग गए, हिंदुस्तान में आतंकवादी किसको डिक्लेयर किया जाएगा, जिसे कोर्ट कहेगा, कई बार गवर्नमेंट भी आतंकवादी डिक्लेयर करती है, कोर्ट छोड़ देता है, क्या गोडसे का, गोडसे मर्डरर था, कातिल था, लेकिन गोडसे को आतंकवादी नहीं कहा कोर्ट ने,
जो कमल हसन बोल रहा है कि हिंदू आतंकवादी था, गलत था। कमल हसन अगर हिंदू आतंकवादी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चलिए एक इसी कोर्ट के जजमेंट में नहीं है। अजीत जी एक बात कहूंगा कि हिंदू आतंकवादी कहने बहुत तकलीफ होती, मुस्लिम आतंकवादी कहने तकलीफ नहीं होती। इस्लाम और आतंकवाद पर्याय है, देखिए पर्याय। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि नहीं आतंकवादी, इसलिए कह रहा हूँ आशुतोष, क्योंकि आतंक का शास्त्र है आपकी, इस्लाम में महावीर शास्त्र है, नहीं है। आपके पास दुनिया में जितने भी संघर्ष है उसका दस्तावेज आप नहीं जानते। आप लोग मोदी फोबिया से ग्रस्त है, अपना इलाज करा ले। शामिल कर सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन सारे संगीत एक मिनट जरा बाहर के गेस्ट को शामिल करें, लोग जा रहे हैं। चिंतामणि जी और मुकेश नायक, चिंतामणि महापात्र जी आपके पास आ रहा हूं। मुकेश नायक आपने सुना बहुत कुछ, इल्जाम कांग्रेस पर है और सब कुछ है कि जो पास्ट है, अतीत है, उसमें इतनी गलतियां हैं जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ और वही सब वजह है कि ऐसी सोच पैदा हुई, या गांधी के प्रति नफरत की भी वही वजह है। यही सब तर्क से अगर देखें तो यही तर्क वो लोग, तमाम लोग देते हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे का मंदिर बनाते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से मुकेश नायक भी नहीं है, जा चुके हैं, लेकिन जो बात कपिल साहब हमने आपसे की, सवाल ये उठता है कि हर आदमी सेलेक्टिव होता है, हम बिना सेलेक्टिव हुए, मैं सिर्फ फिर वहीं एक 40-40 सेकंड में बात करना चाहूँगा, क्या हम गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है 1915 से लेकर मौत तक 48 तक, उस कंट्रीब्यूशन के मद्देनज़र देखेंगे तो गोडसे सीधे सीधे कातिल है या नहीं? गोडसे कातिल है, कौन मना कर रहा है? तो देशद्रोही है, देशभक्त तो नहीं है किसी सूरत में? एक सवाल आ जाता है जो मैंने शुरू में बात उठाई, देशद्रोही, देशभक्त और ये सब डेफिनेशंस जो हैं, समझे? तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सिद्धू साहब बहुत बड़े देशभक्त हैं, उन्होंने भी एक कत्ल किया था, उस पे आप उन्हें देशद्रोही कह देंगे? वो तो शायद एक्सीडेंट था, रोड रेज में मारा था, एक्सीडेंट नहीं था। तब तो जो रोज कत्ल होता है सब देशद्रोह हो गया। मेरी बात सुनिए, मैं इसीलिए इस बात को मैंने आपके सामने उठाई बात कि जिस तरीके का परिपेक्ष माहौल बनता है उस माहौल में कोई अपना आपा खोके एक्शन ले जाता है, बहुत होता है, आपको गुस्सा आएगा, आप उस गुस्से को दबा जाएंगे, शायद मुझे आएगा तो मैं मतलब आपा खोना, गोडसे ने आपा खोया एक तरह से। और सुनिए मेरी बात, ये भी जस्टिफिकेशन है, प्रोफेसर साहब ने एक लाइन में आपको, आपने कहा आपा खो देता है गुस्से में करता है, इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो। ये तो आपके राहुल गांधी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने राजनीतिक आवेश में यहां बात कह दी, क्यों बात कर रहे हैं? बयान देना और कत्ल करना दोनों को फिर बराबर बात कर रहे हैं, वो कत्ल भी कर देते। देखिए ये तो हर कातिल कह देगा, आप कह रहे हैं कि आपा खो के अगर गोडसे ने किया तो आपा खो दिया, इसलिए उसके आपा को, अरे मैंने ये नहीं कहा कि आपा खो दिया, आपने कहा, मैंने ये कहा है कि मानसिकता अलग अलग दशाओं में चली जाती है। चलिए 40-40 सेकंड वक्त का मैं कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। आ रहे हैं कि शिवसेना की जगह सीधे बीजेपी का भी तो दामन थामा जा सकता था, वो उस या वो आगे उसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है? आपका सवाल क्या है, आपको दोहराना पड़ेगा? आर यू ट्राइंग टू से कि मैं यहाँ से बदल कर बीजेपी में जाऊंगी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपको क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं? जी आपका सवाल, अगर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है, आपको व्यक्तिगत सेना बीजेपी का गठबंधन है? नहीं नहीं, अगर आपको, नहीं नहीं एक सेकंड, नहीं नहीं स्मिता जी एक मिनट, स्मिता जी पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, आपने ये सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं कि मैं ये पार्टी हॉप ओवर करने का ये मेरी प्रोफेशनल नहीं है सबसे पहले, और मैं फिर से आपको ध्यान दिला दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा था, और जिस तरीके से उन्होंने मेरी भी सुनवाई नहीं की थी, उस निर्णय को लेकर मैं वापस मुंबई आई, महाराष्ट्र में नेशनल मंच को छोड़कर मैंने आज शिवसेना का हाथ थामा है और शिवसेना को सक्षम करेंगे इस तरीके से कि आने वाले समय में कि महाराष्ट्र की जनता और शिवसेना एक ही सांस में बोले जाएं, ये मेरा काम रहेगा। आप ये जो लालचन लगाने का काम कर रही थी, ये सवाल नहीं, लांचन नहीं लगा रही हूँ मैं, प्रियंका आप पे लांचन नहीं लगा रही हूँ, इसे पर्सनली मत लीजिए, बहुत ही एक जजमेंटल सवाल है। मैंने आपसे पर्सनल, देखिए अगर, और दूसरी बात, पर्सनली मत, आप हम दोनों अपनी, मैं अपनी पार्टी का बात रखूंगी, मैं
स्मिता जी अगर आप मुझसे ऐसी बात करेंगी कि आप क्या आप इस पार्टी में जाएंगी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पार्टी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस पार्टी में जाएंगी, मैं कह रही हूँ कि बीजेपी किस तरीके से नतीजे आए हैं। आई नो यू पर्सनली स्मिता जी, आई वुड हैव अज्यूम्ड यू वुड रिस्पेक्ट व्हाट आई हैव डन। नो नो, आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट योर डिसीजन, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन प्रियंका। नहीं नहीं प्रियंका, आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन, वो आपका निजी डिसीजन है। देन यू शुड आल्सो, मुझे ये बताइए आप आल्सो वे, नहीं नहीं आप अपने, एक स्मिता जी जी बताइए बताइए, पूरी कर लीजिए प्रियंका। स्मिता जी मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही थी, उन मुद्दों को मैं भी रखती थी, बिल्कुल उन मुद्दों को रखती थी मैं, बिल्कुल कांग्रेस में होने के नाते रखती थी। और वही मुद्दे अगर हम नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, वो मुद्दे सत्ता पक्ष में रहकर शिवसेना ने भी रखे हैं, और शिवसेना ने बिल्कुल उनके नेतृत्व ने ये ध्यान रखा कि देश की जनता की आवाज़ किस तरीके से सुनवाई होनी चाहिए, और सुनवाई हुई है और काम हुआ है। अब रही बात यहाँ पे जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है, मैं उनसे उम्मीद ये करूँगी कि खुद पे मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करने की बजाय अगर खुद पे आत्मचिंतन कर लेंगे कि किस वजह से देश की जनता आप लोगों को एक सक्षम विकल्प के रूप में नहीं देख पाई, कहाँ कमियाँ रह गई हैं, और एक शुभचिंतक वोटर होने के नाते देश की जनता अगर आपकी तरफ उम्मीद से देख रही है, तो आप उस उम्मीद पे खरे उतरने के लिए आत्मचिंतन करेंगे और उसकी तरफ आप काम भी करेंगे। के बाद पूरे भारत की जो विचार प्रक्रिया है और चुनाव के मुद्दे हैं, उसका परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया था इस देश में। और हम, मैंने पूरे मध्य प्रदेश में कैंपेन किया है, जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते थे तो वहां कम उम्र के नौजवान साफ साफ कहते थे कि हमें एक बार 5 साल का अवसर नरेंद्र मोदी जी को और देना है। यानी जो वेव है उत्तर भारत में, उसका अनुभव होने लगता था इलेक्शन कैंपेन करते समय, क्योंकि चुनाव की पूरी धारा, जो रोजमर्रा की चुनाव की जीवन की समस्याएं हैं, पूरी की पूरी चुनाव के मुद्दे उससे हट गए थे और बिल्कुल अप्रासंगिक मुद्दों पर पूरा चुनाव होने लगा था। और बातचीत करने में, भाषणबाजी में, तो बीजेपी के नेताओं से मुकेश नायक जी, मैं दोबारा देखने लगा कि इस बीच कांग्रेस से आपने बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया जैसे आप बात करने लगे कि पूरी लहर दिख रही थी और सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारा ज्ञान आज प्राप्त हुआ कांग्रेस की लुटिया डूबने के बाद? मुकेश नायक जी, अरे भाई साहब, अंजुम जी, थोड़ा सा इतना प्रतीक्षा ना करें कांग्रेस की लुटिया डीब नहीं, आप खुद बोल रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करें, 23 तारीख को रिजल्ट खुलेगा। मुकेश नायक जी, आप खुद कह रहे हैं कि जहां भी आप जा रहे थे कैंपेन कर रहे थे तो कांग्रेस की बजाय आपको मोदी के पक्ष में लहर दिख रही थी, आप खुद कह रहे हैं? अरे वो तो मैंने कहा ही है, वो आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? आगे की तो बात सुन लीजिए मेरी। जी, जी, वो तो मैंने कहा ही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि मैंने नहीं कहा है, पूरे देश ने सुना है आपके चैनल में, मैंने कहा है जो सच है मैंने वो कहा है, और वो सच दिखाई देता था, समझ में आता था कि पूरा देश का परिदृश्य सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मच्छर तक नहीं मरा और पूरे भारत का चुनाव का परिदृश्य मोदी जी ने बदल दिया। न किसान मुद्दा रहा, ना नौजवान मुद्दे रहे पूरे देश के, ना भौतिक लक्ष्य, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, किसी चीज पर, ना खेत, ना खलियान, किसी चीज पर चर्चा नहीं हुई। मुकेश नायक, आप ये सब चीज मान लिया, अच्छी बात है कि आपने एक तरह से हार मान ली आज 23 मई के पहले, लेकिन मुकेश नायक, ये सब चीज क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रही थी बात? क्या कमलनाथ जो कह रहे थे 20 से 22 सीटें लेंगे मुख्यमंत्री, उनको नहीं आ रही थी बात? ये सब किसी को समझ में नहीं आया? देखिए, ये आप उन्हीं से पूछिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं इसलिए मैं चुनाव का विश्लेषण आपके साथ बैठ के कर रहा हूं। राहुल गांधी और कमलनाथ, चुनाव का विश्लेषण ये है कि बीजेपी के पास 100 हमारे नेता हैं, लेकिन चुनाव का विश्लेषण जब वो आपके साथ करेंगे तो अपनी राय रखेंगे। मैं अपनी राय रख रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का मैनेजमेंट, उनके पास पैसा, उनके पास प्रचार माध्यम, उनका संगठन, सब चीज हमसे आगे था इस चुनाव में।
और इसके कारण वो नतीजे उनके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। मुकेश नाई साहब, हर मायने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे थी, और तो और आपको पूरे देश में लहर भी नजर आई नरेंद्र मोदी की जब आप चुनाव प्रचार में उतरे। कांग्रेस की आप प्रवक्ता हैं, एक साल डेढ़ साल से चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी लगाते रहे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार पर गई। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की व्याख्या उन्होंने गलत ढंग से की, उसके बाद भी उन्होंने कहा मैंने माफी नहीं मांगी, सिर्फ उस फैसले के संदर्भ में माफी मांगी। एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मैं गलत कोट नहीं कर रहा हूं, पहले सवाल सुन लीजिए, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिए, अब तो रखिए, तीन दिन बाद हिसाब हो जाएगा, पेशेंस रखिए, पांच दिन, पांच महीने, छह महीने, एक साल छुट्टी मनाने का वक्त मिलेगा, 2024 के पहले एक्टिव होइएगा। चलिए, लेकिन पल्लवी सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि चौकीदार चोर है, तमाम तरह के की नारेबाजी अगर जनता ने खारिज कर दिया तो एक दो साल तो सन्नाटे में रहेंगे कि उसके बाद भी चोर है कहेंगे पांच साल तक। नहीं देखिए, आप ये पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा उसमें ही ये गलत है। राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी ये कहते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एट्रिब्यूट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा वो गलत था, और उन्होंने यही दिक्कत है, बाद भी वो कहते जा रहे हैं। पल्लवी एक मिनट, लेट मी करेक्ट, पल्लवी एक मिनट, पल्लवी बोलते रहे। देखिए यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की, पेशेंसली सुन, मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका सवाल पेशेंटली सुन तो लीजिए, जवाब दे लो, नहीं जवाब आप मुझे मिसकोट मत, कांग्रेस पे इल्जाम मत लगाइए, मुझे मिसकोट मत करिए ना। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उन्होंने गलत व्याख्या की जिसके लिए माफी मांग ली, लेकिन चौकीदार चोर है कहते, यही मैंने कहा, लेकिन उसके बाद भी वो चौकीदार चोर है बोलते रहे। मैं उसी पर बोल रही हूं, राहुल गांधी जी ने कभी इस बात की माफी नहीं मांगी कि मैंने चौकीदार चोर कहां कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, पल्लवी ये मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिफाइन किया रहेंगे नहीं कहा है, आप उसको कह रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको देश से भी माफी मांगनी पड़ेगी 23 तारीख के बाद। मैं वो बिल्कुल 23 तारीख तो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है, देश से भी मांगनी पड़ेगी। आपने भी अभी कहा कि ये मानना पड़ेगा जो नतीजे है। देखिए, अगर एग्जिट पोल के नतीजे हर पार्टी मानने लग पड़ी तो इस चैनल पे कुछ और है, किसी और चैनल पर कुछ और, सारे चैनल पर इसी चैनल पर है कि 272 सीटें यूपीए और गठबंधन को। अच्छा, हमारा जो पार्टी जो हम जानते हैं, हमने किस प्रकार जमीन पर उतरकर कैंपेनिंग की है, मतलब ये नतीजे माने जाए तो एक तरफ आप कहेंगे बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं था इन चुनावों में, काला धन मुद्दा नहीं था, बहुत अच्छा बोलती है, विकास मुद्दा नहीं था, बहुत अच्छा बोलती है, सारे मुद्दे 23 को, सारे चीज 23 को, ठीक है, उदय वीर सिंह हमारे साथ हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन, सारे को पता चल रहा है, तीन दिन की सरकार कर रही, ठीक है, उदय को सवाल पूछना चाह रहे हैं हेमंत सर। भाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, इतना प्रचंड, जी हाँ, मिल रही बहुमत है आप बता रहे हैं, और देश भर में हर जगह आपने अपने मत प्रतिशत में भी बढ़ावा किया है, पर रामपुर में आपने जयप्रदा की ठीक से मदद नहीं की, और रामपुर इन्हीं का इलाका है, इसीलिए नहीं, मैंने तो पूरी मदद की है, और देखिए नहीं, पूरी मदद की है, और कई समीकरण, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई कारण ऐसे होते हैं, वो उसका अध्ययन करेंगे। अब हमने 100% तो देखिए, हम तो हो सकता है आपकी इच्छा के बिना उनको लड़ाया गया हो वहाँ पे, लेकिन आपको मदद करनी चाहिए थी। नहीं, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मुझे चुनाव प्रबंधन का जब इंचार्ज अमित शाह जी ने मुझे बनाया, उससे उस समय भी बात हुई थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं जब ये जिम्मेदारी है तो उसके साथ मैं वो नहीं कर सकता, और मुझे लगता है जयाप्रदा जी ने जो प्रदर्शन किया है वो एक बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नकवी जी, अब क्योंकि इतने सब सवाल तो देखिए हो रहे हैं, लेकिन एक बधाई भी मैं देना चाहूंगी, 347 अभी क्योंकि टैली पे दिखा रहा है। हेमंत जी आप ऑन एयर हैं, हेमंत जी आप ऑन एयर हैं, ठीक है, सवाल आप 347 का आंकड़ा टच कर रहा है, लेकिन एक खबर बताते हुए एक सवाल मेरा आपसे, और बहुत लाइट मूड में वो सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार शब्द हटा दिया है, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है, तो अब मुझे बताइए अगर मैं 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ट्विटर खोलूं तो वहां से सारे चौकीदार हटने वाले हैं क्या? देखिए, एक चीज आप समझिए, पहली बात, चौकीदार एक आंदोलन बन गया, और वो चुनाव में जिस तरह से चौकीदार चोर है, चौकीदार जो है वो गाली देने लगे, तो सबने गर्व के साथ, न केवल प्रधानमंत्री जी ने,
बल्कि पूरे देश के लोगों ने और करोड़ों करोड़ लोगों ने अपने आप को चौकीदार लिखा, और उसका नतीजा हुआ कि जो लोग चौकीदार चोर है नारे लगा रहे थे, गाली दे रहे थे, चौकीदार चोर बना के सबसे बड़े हीरो बने हुए थे, उस गाली गैंग के गैंगस्टरों के नेता बने हुए थे, वो जो सज्जन है वो खुद जो है वो हार गए। नहीं नहीं उसके एक सवाल सही कह रहे हैं आप, उसका असर निश्चित तौर पर चुनाव में के परिणामों में दिख रहा है। एक सवाल चौकीदार चोर है नारा चला नहीं, एक सवाल लेकिन जवाब जो जो आपने नहीं दिया रामपुर का, रामपुर के आप रहने वाले हैं, आजम खान ने तमाम तरह की बातें की जयप्रदा के खिलाफ और उसके बाद जयप्रदा को एक तरह से पार्टी शिफ्ट करके जयप्रदा को लड़ाया, क्यों हार गए जयप्रदा और क्यों जीत रहे हैं आजम खान ये तो आप बताएंगे, क्योंकि आजम खान को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, आप भी भुक्तभोगी रहे और जयप्रदा को भी कोई नहीं जानता, जयप्रदा उनसे लड़ते रहे हैं पहले, देखिए इसलिए भुक्तभोगी रहे, वही मैं कह रहा हूँ भुक्तभोगी रहे। एक ये बताइए, आप ये बताइए हेमंत जी या अजीत जी, हेमंत जी और अजीत अंजुम साहब, आप ये बताइए कि अभी चुनाव का रिजल्ट आया नहीं, मैं आपके सामने विश्लेषण करूं तो आप कहेंगे आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं कि जो है अभी रिजल्ट आया नहीं, और आप मैं आपको बड़ा बुद्धिमान मानता हूं, कभी आपके साथ आएंगे विश्लेषण कर देंगे। अभी फासला आपको बता दें सिर्फ कि अभी दोनों के बीच जयप्रदा और आजम खान के बीच मेरे पास वोटों का फासला 1.5 लाख होने जा रहा है, तो 1.5 लाख फासले को कोई रफू नहीं किया जा सकता किसी तरह के पैबंद से, ये 1.5 लाख का फासला नहीं भरेगा, मुझे मालूम है, मालूम तो आपको, तो इसीलिए जानकारी है, इसलिए आजम, चलिए जयप्रदा क्यों हार, अभी विश्लेषण नहीं, अभी तो हम लोग पूरे देश, नकवी साहब आप जयप्रदा क्यों हारी ये छोड़ दीजिए, आजम खान क्यों जीत रहे हैं ये बता सकते हैं जी, जयप्रदा क्यों हारी ये शायद आप अभी नहीं कहना चाह रहे, आजम खान क्यों जीत रहे हैं ये तो बताइए, इसलिए क्योंकि जयाप्रदा जी, अगर जयाप्रदा जी नहीं जीतेंगी तो आजम खान ही जीतेंगे, इसमें कोई तो क्यों आजम खान जीत रहे सवाल पैदा नहीं होता ना कि वो जीत क्यों रहे वो हार क्यों रहे, नहीं वही पूछ रहा हूँ, मुख्य बता देंगे आपसे, नकवी साहब आजम खान जिनके खिलाफ इतने आक्रामक रहे, जो अली बजरंगबली को उन्होंने उसको नारे को अपने ढंग से क्वाइन किया, बीजेपी लगातार आजम खान के खिलाफ आक्रामक रही, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे, आजम खान क्यों जीत रहे, मैं आपसे समझ, आजम खान ने मर्यादाएं तोड़ी, सब कुछ चुनाव आयोग ने उनको दंड दिया, नहीं देखिये राजनीति में कोई जानी दुश्मन किसी का नहीं होता, ये तो बात कहना ठीक नहीं, बीजेपी किसी की जानी दुश्मन नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनके विचारों से, उनकी विचारधारा से निश्चित तौर से, और उन्होंने जिस तरह की शब्द बोले हैं उससे कोई सहमत नहीं हो सकता, कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अब जो सवाल ये पैदा होता है, जनता का जनादेश जो है वो हमेशा सर्वाथे पर रहता है, जहाँ पर जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ पर जीत का ग्लैमर होता है वहीं हार का ग्रेस भी होता है। अच्छा एक आखिरी सवाल, ब्रेक पर जाने का वक्त है, अमर सिंह का नहीं होना कोई प्रॉब्लम इसमें? अमर सिंह एक्टिव नहीं थे फील्ड में, क्या इसके वजह से जयप्रदा जी को थोड़ा सा लॉस हुआ? अब मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे और शायद बचना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल इससे अलग मैं पूछ रहा हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब, चूंकि 350 सीटों का आंकड़ा पहुंच रहा है और उसके बाद आप सबका साथ सबका विकास नारा है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसमें सबका विश्वास भी जोड़ दिया उस नारे में, उसके बताते हुए कि जो जीत हो रही है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, शाहनवाज हुसैन और आप दो चेहरा हैं बीजेपी के, मुस्लिम चेहरा, शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिला, प्रवक्ता हैं, दुखी भी हैं शायद, दो ही चेहरे हैं, क्या अब देश की आबादी इतनी बड़ी है जिसमें मुस्लिम की भी आबादी 14 से 16% कहा जाता है, क्या हम मुस्लिम चेहरे, इंक्लूसिव चेहरे और देखेंगे बीजेपी में 2019 से 24 के बीच? देखिए पहली बात ये कि ये बातें बहुत हो चुकी, और आज ये चुनाव पूरा अगर आप देखिए तो जो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा कहती रही, जो समाजवादी पार्टी से लेकर के और सारे के सारे जो सेकुलरिज्म के सूरमा थे, तो ये सारे के सारे लोग केवल इसी मुद्दे पर लेकर के चुनाव के मैदान में थे, हम जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के विकास, और सबका विकास और सबका साथ, इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में गए। और मैं आपको आपके चैनल पे बताऊं, 30 से 35% वोट मुस्लिम समाज ने भी नरेंद्र मोदी जी को दिया है, मैं आपको इसको, आप अपने चैनल पे कभी आकलन इसका भी कर लीजिएगा कि किस समाज ने कैसे दिया है, वो भी आप लोग करते थे, इसीलिए हमने कहा जाति धर्म और क्षेत्र की सारी दीवारें तोड़ करके लोग समावेशी विकास
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने अपने अपना जनादेश दिया। चलिए, मुझे लगता है हमको शुक्रिया करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक पर जाना है। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सब हारे हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी तो हारे ही, बाकी सारे दिग्गज हारे हैं। क्या कहेंगे, क्यों ये दिन देखना पड़ा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हार रहे हैं 80,000 वोटों से, मुख्यमंत्री के बेटे हार रहे हैं 3.25 लाख वोटों से, गुना से सिंधिया हार रहे हैं जहां से उनकी दादी जीतती रही 57 से, और अमेठी से राहुल गांधी हार रहे हैं जहां से उनके चाचा संजय गांधी जीत रहे थे 80 से। तो ये सारी शिकस्त क्या कहती है इसका? अब तक तो आपने कुछ मूल्यांकन विश्लेषण किया होगा पार्टी में। अंजुम साहब, इस को वास्तव में हम लोग नहीं समझ पाए। मैं मानता हूं ये हमारी विफलता है और इस विफलता को स्वीकार करना, शालीनता के साथ स्वीकारना ही चाहिए, और बीजेपी की जीत हुई है तो उसे धन्यवाद, उसको बधाई भी देनी ही चाहिए और इस परंपरा का हम निर्वहन करेंगे। एक बात जरूर है, जिस तरह के अलग अलग चरणों में चुनाव के दौरान जिन जिन बातों पर बात आई, मैं मानता हूँ कई एम फैक्टर एक साथ काम किया। एम का मतलब मनी, जो प्रचार प्रसार में खर्च हुआ। अरे सुनिए, एक मिनट भटकाइए मत, क्या गुना में, एक मिनट, ग्वालियर नरेश, राजमाता सिंधिया के पोते, माधवराव सिंधिया के बेटे, जिनकी पैतृक संपत्ति अरबों की है, राजमहल में आज भी रहते हैं, क्या उनको पैसे की कमी थी? क्या बात कर रहे हैं, पैसे की कमी थी? मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को पैसे की कमी थी? मिलिंद देवड़ा को पैसे की कमी थी? एक मिनट, जितिन प्रसाद को पैसे की कमी थी? जितेंद्र प्रसाद के बेटे को पैसे की कमी थी? क्या बात कर रहे हैं अंजुम भाई, अभी भी आप समझ नहीं रहे। मुकेश अंबानी ने इंडोर्स किया, पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, समझ, आप सिर्फ, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे शब्द का उच्चारण मैं नहीं समझता आपसे होना चाहिए। नहीं नहीं, उच्चारण की नहीं, आप क्या है ना, नहीं मैं शालीनता से, एक एम नहीं, मैंने एक एम की बात नहीं की, मैं एक एम की बात नहीं की, कई एम, एम में आप भी हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है अंजुम भाई, अंजुम भाई आप इसको समझे, इस देश में कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर सकती भाई। कांग्रेस जिस विचारधारा पर चलती है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके आपने भी मंदिर मस्जिद की राजनीति करके, कोशिश आपने भी की थी, कोशिश है आज तक, आप तो इतने दिनों से कवर करते हैं, कोशिश आपने भी की थी जब 26 मंदिरों के दर्शन किए थे गुजरात में, और सूर्जेवाला ने कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ ब्राह्मण है बल्कि जनौधारी ब्राह्मण है। एक मिनट सुन लीजिए, सूर्जेवाला ने कहा ना कि राहुल गांधी न कि ब्राह्मण है बल्कि जनौधारी ब्राह्मण है, मुख्यालय में कहा, कांग्रेस के मुख्यालय में जब प्रश्न पूछा गया उनके जाति और धर्म का प्रश्न पूछा गया, तब अजीत भाई जब उनसे जाति और धर्म का प्रश्न पूछने का प्रयास हुआ और ये पूछा गया क्यों, ये आपको भी पता है कि नैरेटिव सेट करना भाजपा लगातार चाहती थी। कोशिश आप भी वही करते रहे ना, बचा जाए आपने गंगा जल से आचमन प्रियंका गांधी ने किया, हम बचा गंगा जल से आचमन किया प्रियंका गांधी ने, हमने बचाने की कोशिश की है, आपने हनुमान जी की आरती की, हिंसा और धर्म की राजनीति को अलग करके हम पास, आपकी स्थिति ये हो गई कि माया मिली न राम, कोशिशें आपने भी की, मजार पर भी गए, नहीं नहीं नहीं, मजार पर भी गए, और हिंदू धर्म को यदि मानने की बात थी तो निश्चित तौर पे मानना अलग चीज है और उसके लिए वोट का अपील करना अलग चीज है। अच्छा चलिए, अब एक चीज बताइए, सुनिए, स्पेसिफिक बात कर, उससे ज्यादा दे नहीं, 10 सेकंड दीजिए मुझे। चलिए बोलिए बोलिए, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड, आप ही से एक प्यारा प्रश्न है, मेरा जो एज है उससे ज्यादा आपकी पत्रकारिता संभवतः होगी। नहीं नहीं, आप बताइए, बच्चे हैं ना, मैं इतना बुजुर्ग हूं, चलिए मुद्दे पर बात करिए। इस्तेमाल किया गया वोट के लिए कहीं? जैसे चलिए, मैं मान लिया आप बुजुर्ग नहीं मानूंगा आपको, आप यंग है अभी, स्टालवार्ट है मीडिया के, मैं तो आप बालक नहीं है, अगर सेना के शौर्य पर इस तरह से बार बार जी थैंक यू, मेरा कहना है कि क्या सेना के शौर्य पर इस तरह से प्रचार प्रसार, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने रोक लगाई, बावजूद मांगा गया वोट, तब इसको क्या कहेंगे? लेकिन ये मैं मानता हूं कि हमारी गलती है, हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, हमारे संगठन में जो बात आनी चाहिए थी संभवतः अंतिम में हम नहीं उस लेवल पर आ पाए, गलती नहीं होती तो शायद ये वेब जो हम बनाना चाहते थे, रूरल डिस्ट्रेस का, जॉब प्रॉब्लम जो देश में है उसका, ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है उसका, किसानों की जो समस्या है, इसके लिए हमने लड़ा भी कई बार, आंदोलन भी किए, लेकिन शायद उसको हम
वोट के तौर पे चुनाव का मुद्दा नहीं बना पाए, ये अफसोसजनक है हमारे लिए भी और समाज के लिए और देश के लिए भी। फिर भी इस जनमत को, इस लोकतंत्र के निर्णय को सहृदयता के साथ स्वीकारते हैं और भाजपा और भाजपा के लोगों को बधाई देते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि देश में शांति और सौहार्द बना रहे, धर्मनिरपेक्षता की जो परिकल्पना इस देश में है वो भी बनी रहे, भारत की समाजवादी चिंतन भी बना रहे और देश का विकास भी करने में मोदी जी आगे बढ़े। एक चीज बताइए स्मिता, स्मिता शर्मा आपसे कुछ पूछे उससे पहले एक सवाल और। अमेठी में हारे आप, 80 से जिस सीट पर जीतते रहे, बार बार हर कांग्रेस नेता को पूछूंगा और ये सवाल आपको महीनों आपका पीछा करेगा, अमेठी का सवाल। बाकी जगह हारे उसका तो आप हिसाब दे सकते हैं, दूसरों की हार का। अमेठी जहां जहां आप कहते रहे विकास के मॉडल आपने न जाने क्या क्या किया, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी थी कि अमेठी में स्मृति ईरानी जाकर आपको हरा देती है राहुल गांधी को। अमेठी में क्यों हारे? देखिए एकदम उत्तर प्रदेश और बिहार की और पूरी मैं मानता हूँ हिंदी बेल्ट की जो परिस्थितियां थी वही परिस्थितियां अमेठी के लिए भी जुम्मार हुई। जिस तरह से दुष्प्रचार हुआ, जिस तरह से वहां के लोगों को धीरे धीरे बहकाया गया होगा, कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं नफरत का जहर पैदा किया गया, हम भी उसके शिकार हुए हैं मैं मानता हूं। और नॉर्थ इंडिया का ये कैरेक्टर आप दो चार दिन में आप लोगों का भी एनालिसिस आएगा कि कैसा कैसा चला है, क्या चला है। और मुझे कोई इस बात को कहने में हर्ज नहीं है, लेकिन आप कहते हैं राहुल जी हारे, तो राहुल जी जीते भी हैं। आप देखिए सर्वाधिक वोट से इस देश आप ऐसा कोई बयान देंगे तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। वोट का राहुल गांधी 50 सीट, 44 सीट वाली पार्टी 50 पर अटकी हुए जीते हैं, ये जीत बोलते हैं इसको, तो हार किस चीज को बोलते हैं? खुद अपनी सीट अमेठी में हारे, इसमें भी जीत देख रहे हैं। व्यक्तिगत जीत की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अजय वायनाड की सीट जीत कर आप किसी भी तरीके से अमेठी की सीट की लॉस की बात नहीं कर सकते ना। देश में सर्वाधिक वोट से जीता है वो, ठीक है, लेकिन अमेठी की सीट का जो नुकसान है उसका तो आप कोई नहीं कर सकते हैं। अजय ये बताइए, आपने बात की कि सेक्युलरिज्म हार हार है और अमेठी की सीट का, सेक्युलरिज्म की बात की अभी से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 2014 से 19 के बीच में पूरी जमात ने बोलना बंद कर दिया, धर्मनिरपेक्षता का नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्या ये लोगों तक संदेशा नरेंद्र मोदी पहुंचा सके हैं, और या क्या लोगों का ये परसेप्शन बना है कि आप जिसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं वो दरअसल एक समुदाय विशेष अपीजमेंट है? क्या ये एक मुश्किलात हो खड़ी हुई है आज कांग्रेस की? नहीं, हम अस्मिता जी, हम उसी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं जिस धर्मनिरपेक्षता की बात महात्मा गांधी ने इस देश में की थी। राम राज के साथ अल्लाह ईश्वर तेरो नाम की चर्चा होती रही, उस पर कोई प्रश्न नहीं रहा। आज उन पर भी प्रश्न गोडसे के पुजारियों ने की है, गोडसे के भक्त और हत्यारे जो थे गोडसे, जो वो लोग करें सुन लीजिए, उनका आरोप है कि वहां दिग्विजय सिंह मुकाबले में थे, जो बाटला हाउस एनकाउंटर में अगर कोई मारा गया और वो आतंकी था, वहां एक शहीद हुआ एक इंस्पेक्टर, उसकी तस्वीर लेकर वो घूमते रहे और उसके बाद उस शहादत पर सवाल उठाते रहे, तो दिग्विजय सिंह भी वहां थे। उनका ये आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने, जिन्होंने हिंदू टेरर का नाम दिया, दिग्विजय सिंह जो बाटला हाउस एनकाउंटर से लेकर दूसरे किस्म की राजनीति करते रहे, मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, ऐसा उनका आरोप है। उसकी सजा उनको प्रज्ञा को उन्होंने खड़ा किया, प्रज्ञा को जनता ने एक्सेप्ट किया और खबर जो है 3.25 लाख वोटों से हार गए। अजीत भाई जो जीता वही सिकंदर, मैं उस जीत को नहीं नकार सकता। जीतने में चाहे जो भी साम दाम दंड भेद राजनीति है तो राजनीति में लोग करते हैं, लेकिन देश की जो सामाजिक एकता और जो उसके फैब्रिक्स हैं मुझे लगता है उसे नहीं टूटना चाहिए किसी भी कीमत पर। उसके लिए हम सबका दायित्व बनता है, मैं मानता हूं विपक्ष में होकर भी और जो पक्ष के लोग हैं उनको भी, चुनावी सियासत जो करनी थी उन्होंने की और पूरा देश जानता है। मैं इस पर कहीं कुछ नहीं जाना चाहता, जनता ने जो दिया है मैंडेट उसका भी पूरा सम्मान। अजय कुमार, हेमंत शर्मा जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। आगे इस देश में सभी को जीने का अधिकार है। अजय जी, मेरी चिंता उन बाबा जी को लेकर है जिन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह हारे तो वो जिंदा समाधि ले लेंगे। कम से कम आप उनकी देखभाल कीजिए, पता लगाइए वो कहाँ हैं,
उनकी हिफाजत कीजिए, कोई हादसा ना हो। मिर्ची यज्ञ किया था उन्होंने, एक बाबा जी से मैं मिलकर आया था, उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए मोर्चा, उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए हठ योग किया था, दिग्विजय सिंह खुद भी बैठे थे, कंप्यूटर बाबा 1000 बाबाओं को लेकर उन्होंने कहा था 15 सीट हम जिताएंगे और दिग्विजय सिंह को भी जिताएंगे, और दिग्विजय सिंह ने प्रज्ञा सिंह के हिंदुत्व के काट के लिए एक दूसरे मोर्चेबंदी की और 1000 बाबा को लेकर पार्क में धुनी रमाए 2 दिन तक। तो बाबाओं को लेकर आपने भी वही खेल करने की कोशिश की, और ये बाबा 6 महीने पहले तक बीजेपी के बाबा थे जी, उन्हें आम आदमी पार्टी से भी रिश्ता रहा उनका, बिल्कुल सही करा। राज्य मंत्री का दर्जा था उनका जी, शिवराज ने दिया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, बाबागिरी, जनेऊ, ब्राह्मण, गोत्र सब तो आपने भी कर लिया। डॉक्टर अजय कुमार, पहले तक, कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस की फायरी प्रवक्ता थी प्रियंका, जब आपने डिसीजन को अपना पब्लिक किया, सार्वजनिक किया कि अब आप शिवसेना के साथ जुड़ रही हैं, बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आई सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोगों के ओर से, लेकिन क्या उस वक्त आपने सोचा भी था कि इन चुनावों में कांग्रेस समेत विपक्षी जो है इस तरीके से, ये हश्र होगा उनका? देखिए, जिस तरीके से मुझ पे भारी टिप्पणियाँ की गई थी और मेरे बारे में ऊल झलूल कहने की बातें की गई थी, उस समय पे भी जब मैंने ये बदलाव किया था, मैं बिल्कुल जानती थी कि ये लड़ाई मेरे सम्मान की लड़ाई है और जो राजनीतिक पक्ष मुझे सम्मान नहीं दे सकता है उस राजनीतिक पक्ष के साथ मुझे खड़ा नहीं होना है। ये मेरे आत्मविश्वास की लड़ाई थी, मेरी सम्मान की लड़ाई थी। शिवसेना ने मुझे वो सम्मान दिया, वो जगह दी और पूरे दिल से मुझे पार्टी में लिया है, शामिल किया है और जिम्मेदारी दी है। क्या इसका नतीजा होना था मुझे नहीं पता था, पर मुझे ये ज़रूर पता था कि आने वाले समय में अगर हमें बदलाव की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं देश के सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं, तो कोई भी विपक्षी अगर विकल्प बनता है उनके पास ठोस मुद्दे होने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विपक्षी दल थे ना ही अलायंसेस कर पा रहे थे, ना ही किसी तरीके का गठजोड़ हो रहा था, ना ही किसी तरीके की आइडियाज़ थे जो वो सामने ला पा रहे थे। और मैं बस यही कहूँगी कि देश की जनता ने दोनों तरफ को सुना भलीभांति टेलीविज़न के माध्यम से, रैलीज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने निर्णय लिया है। उस निर्णय का सम्मान मैं मानती हूँ कि पूरे देश को ही नहीं, हर मीडिया चैनलों को भी करना जरूरी है। प्रियंका, ये जो कांग्रेस की डाउनफॉल है, आप कांग्रेस के साथ बहुत लंबे वक्त तक जुड़ी रही थी, आप यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ी और उसके बाद जो है जिस तरीके से पार्टी के अंदर आपका एक तरीके से रुतबा बढ़ा, आपने पार्टी के लिए बहुत बैटिंग की, पार्टी के अंदर सबसे बड़ी जो है फॉल की वजह क्या नजर आई? आपने कहा कि शायद उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे की वजह से पार्टी का फॉल हुआ या पार्टी के नेतृत्व की वजह से कि पार्टी इतने सालों में भी जो है गांधी परिवार के बाहर नेतृत्व अब तक नहीं ढूंढ पाई है? देखिए, मैं ज्यादा अब कांग्रेस पार्टी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, नतीजे सबके सामने हैं और आत्मचिंतन करने की जिम्मेदारी उस पक्ष को होती है जिनको इस तरीके की हार का सामना करना पड़ रहा है। जब 54 सीट पर थे तो उस समय पे देश की जनता आपकी तरफ देख रही थी कि आप एक सक्षम विकल्प के रूप में, विपक्ष के रूप में उभरेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने इस उम्मीद में बैठी रही कि देश 5 साल में मोदी से थककर, वो शायद मोदी जी से थककर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आ जाएंगे, खुद की जो ज़मीनी हकीकत थी उससे वो परे रहे। और मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में अगर सक्षम विपक्ष के रूप में अगर ये उभरते हैं और सही मुद्दों को उठाकर और अपने खुद के कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर अपनी कार्य शैली में बदलाव लाकर अगर कांग्रेस पार्टी उभर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी होगी। और शिवसेना में होने के नाते मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप के अंतर्गत ये जो युति हुई, गठबंधन हुआ, और वो गठबंधन को पूरी सहमति महाराष्ट्र की जनता ने दी है, उसका बहुत बहुत हम महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। प्रियंका, क्या आप कह रही हैं कि कांग्रेस की पूरी की पूरी राजनीति, प्रियंका क्या आप कह रही हैं कांग्रेस की पूरी राजनीति प्रोएक्टिव नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ रिएक्टिव नजर आ रही थी? किसी मुद्दे पर भी, वो GST हो, डिमोनेटाइजेशन हो, क्या वो लोग खुद से आगे से सोच नहीं पा रहे थे किसी भी नीति को लेकर? देखिए, अगर कोई वोटर सामने होता है, वोटर जब सोचता है, विकल्प देखता है, तो वो सामने देखते हैं कि कौन से जो मुद्दे हैं। कि आप जब बालाकोट का स्ट्राइक होता है कि आपके कुछ पार्टी के नेता आकर कहते हैं कि हमें प्रूफ, तो आप आर्मी पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। बॉम्बे से लड़े हुए एक नेता, मुंबई से लड़ रहे एक नेता
कहते हैं कि फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक था, फर्जी स्ट्राइक था, इस तरीके की आप बातें कर रहे थे तो कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे कि यहाँ पर एक विपक्ष के रूप में नहीं, ये एक लालच के रूप में सीट पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीति चला रहे हैं और चमकाने का काम कर रहे हैं। और ये जो मैं फिर से कहूँगी कि आने वाले असेंबली चुनाव जो महाराष्ट्र के लिए हैं और शिवसेना की जो जिम्मेदारी है महाराष्ट्र की जनता को लेकर, हम भलीभांति समझते हैं, उसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे। और जिस तरीके से आज हमने केंद्र में हमारी थंपिंग विक्ट्री हुई है, हम महाराष्ट्र में भी उसको थंपिंग विक्ट्री में कन्वर्ट करेंगे। आपकी जगह इस वक्त जरिता जो है अब वो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जरिता जी, आप सुन रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी को जो बातें कह रही हैं कि भाई असली मुद्दे नहीं थे कांग्रेस के पास में, ऐसा लग रहा था कि या तो मुद्दों की कमी है या फिर आप बस इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी थक जाए या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो थक जाए। क्या रिस्पॉन्स देंगी आप कांग्रेस की इस हार के लिए? देखिए, जो मुद्दे थे वो प्रियंका जी को भी अच्छी तरीके से पता है और हमें भी पता है कि कौन से मुद्दे थे और हमने कौन से मुद्दे पे हम लड़े थे। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो हमारे युवाओं की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो हमारे नोटबंदी या फिर जीएसटी की बात हो, हमारे मुद्दे बहुत साफ थे और हमें पता था कि हम किस तरीके से लड़ने वाले थे। और क्योंकि प्रियंका जी हमारे साथ उस टाइम थी, क्योंकि ये आइडियोलॉजी वो भी फॉलो करती थी उस टाइम, इसलिए वो अगर अभी बोल रही थी, अभी बोल रही है कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात होगी। गलत बात है प्रियंका की। आपको लग रहा है कि वैसे जो नतीजे आ रहे हैं